क्या आपको पता है कि आप जो पानी पीते हो असल में उस पानी को डायनासोर्स ने भी पिया था। मतलब हम लोग डायनासोर के झूठे पानी को पीते हैं। अब आप कहोगे कि मेरे घर में तो रोज नया पानी आता है और हम उसी पानी को प्यूरिफाई करके पीते हैं। पर मेरे दोस्त, अब मैं आपको टेक्निकल रीजन देने वाला हूँ। हमारी धरती जब नई नई बनी थी उस समय इसमें जो पानी था वही पानी आज भी है, जिसे आज हम पी रहे हैं वो पानी कई हजार सालों से धरती पे मौजूद है। आइए इसे समझने के लिए हम वाटर साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। ये है पूरा वाटर साइकिल। ये है नॉर्मल पानी जो लिक्विड यानी भाप के रूप में ऊपर जा रहा है और वही भाप मिलकर बादल बन गए और फिर बारिश के जरिए धरती पे वापस जा रहे हैं। यानी एक नॉर्मल पानी भाप के रूप में ऊपर जा रहा है और वो सब भाप मिलकर बादल बन जा रहे हैं और फिर बादल से बारिश के रूप में धरती पे आ जा रहे हैं। इसे ही वाटर साइकिल कहते हैं। यानी जो पानी एक बार धरती में पैक हो गया है वही पानी कभी भाप, कभी बारिश, कभी बर्फ, यानी अपना फॉर्म बदल बदल कर आज भी है, जिसे आज हम पीते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन सवाल पे। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डायनासोर का जूठा पानी पीते हैं। तो अगर इसे टेक्निकली देखे तो डायनासोर्स हमसे पहले से धरती पे मौजूद थे और उन्होंने जो पानी पिया था वही पानी आज भी एटमॉस्फेयर में घूम रहा है और आज हम भी वही पानी पी रहे हैं और जंगल के जानवर भी वही पी रहे हैं और हम जानवरों का जूठा पी रहे हैं और जानवर हमारा जूठा पी रहे हैं। यानी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।